अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ही सख्ती के साथ ईरान से कहा है कि अगर उसने अमेरिकी हितों पर प्रहार किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस बयान के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यदि ईरान लड़ाई करना चाहता है तो उसका आधिकारिक तौर पर अंत कर दिया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि आगे कभी अमेरिका को धमकी मत देना। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर पैट्रियट मिसाइलें और B-52 बॉम्बर को खाड़ी में तैनात कर दिया है। साथ ही अमेरिका ने अपने सबसे घातक चैंप मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र को पंगु बना देती है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने न्यूज एजेंसी से शनिवार को कहा था कि कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि न तो हम लड़ाई चाहते हैं और न ही किसी को भ्रम है कि वह इस क्षेत्र में ईरान का सामना कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि फारस की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाले कमर्शियल विमानों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका ने यह चेतावनी उस वक्त जारी की थी जब ईरान ने कहा था कि वह खाड़ी देशों में अमेरिकी जहाजों को आसानी से निशाना बना सकता है। इससे पहले भी ईरान कहता रहा है कि वह तेल आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण इस समुद्री मार्ग हार्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है।